विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन वो जनता की मूलभूत समस्याओं का आज तक निपटारा नहीं हो सका। आज भी बिहारियों का पलायन जारी है, आज बिहार के बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है शिक्षा के लिए। बिहार के बच्चों की शिक्षा के पैसे से आज दक्षिण भारत के स्टेट कितने धनी हो गए, लेकिन बिहार दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री आज भी कह रहे हैं कि बिहार में विकास चल रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि विकास हुआ कहाँ। जनता आज भी त्रस्त है, जनता आज भी परेशान है, किसान आज भी परेशान है कर्जों से, और न उसके फसल का सही दाम मिल रहा है और न ही उसको सिंचाई की व्यवस्था मिल रही है, न बेरोजगारों से को रोजगार मिल रहा है। सबसे ज़्यादा त्रस्त ये बिहार का प्रमुख मुद्दा है बेरोजगारी। इतनी चिंतित हैं कि उनका कुछ भी निवारण नहीं दिख रहा है। ना बिहार में उद्योग धंधे हैं, ना कोई सरकारी नौकरी का कोई वैकेंसी आता है, जो आता है वो भी 5 साल लटका रह जाता है। इस पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री का कोई भी रुझान नहीं है, ना कोई उनका स्टेटमेंट आता है, ना कोई वक्तव्य आता है, सिर्फ वो समीक्षा यात्रा करने में लगे रहते हैं। और मुझे लगता है कि नंदनगांव की घटना केशवाबाद के लिए दुखद है, लेकिन ये इसी तरह की कार्यों की प्रतिक्रिया है। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन इसी तरह के कार्यों की प्रतिक्रिया है, क्योंकि जनता उब चुकी है और हम लोग यहाँ पे उसी के विरोध में और माननीय मुख्यमंत्री का जन समस्याओं के प्रति ध्यान आकृष्ट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और इस मंच से वहाँ उनको हम आग्रह करना चाहते हैं, विनम्र प्रार्थना करना चाहते हैं कि जनता की मूलभूत समस्याओं को देखिए और उसका निवारण के लिए कुछ कठोर कदम उठाइए, ताकि जनता आपको फिर से दोबारा निर्वाचित करने के लिए सोच सके। अन्यथा हम लोग महासंग्राम के लिए अगली बार 3 दिवसीय 9 दिवसीय और पद यात्रा राजभवन तक निकालने की तैयारी कर रहे हैं। पर्ची आपका जी? हम रुद्रवाहिनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नाम क्या पड़ेगा अपना जी? जयप्रकाश त्रिवेदी।